Good morning, friends. Yesterday we will study about the difference between plants and animal. हमने पिछले कल yesterday हमने किया था animal और plants के बीच में difference. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है plants, the types of plants. तो सबसे पहले plants कितने प्रकार के होते हैं. तो plants को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, plants के parts को पढ़ना पड़ेगा. तो types of parts, two types of parts होते हैं. Number first होता है shoot. एंड सेकेंड वन इज रूट. जैसे आपके पास कोई प्लांट है, ट्री है, तो ये इसका रूट हुआ एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज शूट. ठीक है, तो हम आज इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज शूट सिस्टम एंड व्हाट इज रूट सिस्टम. नंबर फर्स्ट है हमारे पास शूट सिस्टम. द पार्ट अबव द ग्राउंड is called as shoot system. बच्चों उसमें क्या होता है, शूट सिस्टम में जो तना होता है, पेड़ का तना होता है, उसमें क्या होता है, द पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जो जिसके रूट सिस्टम से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज रूट सिस्टम. इसमें क्या होता है रूट सिस्टम में, रूट से आप समझ के होंगे कि रूट क्या होता है, जड़े, जो किसमें बिलो द ग्राउंड होता है, द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम. ये था बच्चों हमने आज पढ़ा शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है पौधे का उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. द रूट सिस्टम इज कि जो लोअर पार्ट होता है, जमीन वाला हिस्सा होता है, इसमें जड़ें होती हैं, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं. तो ये था आपके लिए आज का कॉन्सेप्ट. आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप रूट सिस्टम की डेफिनेशन, शूट सिस्टम की डेफिनेशन लर्न करेंगे और इस सारे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे भी. थैंक यू.